नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। साथियों, गांव करसिंधु में जींद जिले के उचाणा हल्का में ये गांव आता है और क्रांतिकारी गांव है। यहां की विशेषता जो पुराने कुएं हैं जो पहले होया कर, जहां से पीने का पानी भरिया कर दे, क्योंकि पहले और सुविधाएं नहीं थी, कुएं तय पीने का पानी भरिया कर दे। आज भी वो कुएं नू के नू हैं और जो कुएं की डेकोरेशन है गाँव के युवाओं ने मिलकर, गाँव की पंचायत ने मिलकर ने जो कुएं हैं उनकी शोभा है जो बहुत बढ़िया बढ़ाई है। उनका पानी जो आज भी पीने का है और बढ़िया पानी, और जो कुएं की डेकोरेशन आप देख सको, एक सुंदर है और देखने को देखने योग्य है जो कुएं आज बनाए हैं। और इस गांव की एक विशेषता और है, जो चौक है सभी चौक पर महापुरुषों की प्रतिमा मिलेगी, महापुरुषों की विचारधारा यहां युवा में देखने को मिलेगी। और जो ये कुआ है ये आपने दिखावांगे, इस कुआ की है जो ये 1899 में बने हुआ है, 122 साल पहले बने हुआ है। और इसके जो देख रेख है जो गांव के युवा आज भी कर रहे हैं, गांव की पंचायत कर रही है, और पीने का पानी है जो इसमें है। और इसकी एक और विशेषता जो आज करी गई है, जो पहले रस्सा खींच कर न पानी भरिया कर दे, जो अपनी चाची ताई दादी पहला पानी भरा दी रस्सा खींचा कर दी, लेकिन इसमें मोटर छोड़ दी गई है जो ये है, तो इसके लाइट हो तब मोटर चला देंगे तो ये पानी भरा जाओगे इसमें। और जब लाइट नहीं हो तो रस्से से भरना हो तो उस साइड एक कुआ है तो रस्से से खींचा जाओगा, मतलब दोनों ही सुविधा है, लाइट हो तो लाइट से द्वारा, अगर लाइट नहीं हो तो रस्सा तक लिया जाओगा। और इसकी एक खास बात ये है, जैसे पानी भरने के लिए ये टंकी बनाई गई है, कुआ से मोटर चला देंगे तो ये टंकी भर जाएगी। जब टंकी भर जाएगी, बाई चांस चलो रात ने चला दिया कि टंकी खाली और चला दिया, तो टंकी भरने के बाद पानी जो वेस्ट नहीं होता, जो पानी है वापिस ही कुआ में आ जाएगा। जो ऊपर की पाइप देख रहे हो ये इससे वापिस ही कुआ में वापिस आ जाएगा। ये यहाँ के और जो यहाँ युवा साथी है उनता बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, जय हिंद भाई। भाई जी देखा 1899 कुआ बने हुआ है, लेकिन आज भी इस कुआ ने यू का यू बना कर रख रहे हो, जो इसकी डेकोरेशन है, जो इसका खर्च है, जो इसकी देख रेख है, वो किस हिसाब से कर रहे हो? देखो भाई, एक अपना जो परंपरा हुआ है, पूर्वज अपना कुएं बनवाए गए, उसके वंश से जाकर उसका रख रखाव कर रहे हैं, तो यूं तो मतलब साझा ही है सारा सौदा, लेकिन एक जिम्मेदारी हुआ है जो परिवार हुआ, मेरा परिवार के ऊपर है इसकी। 30-40 घर का हमारा यू जो अपना है बुढ़ा ने बनवाया था हमारा कुआ है, और ये समस्त समाज कल्याण के लिए बनवाया गया था, यानी कि पूरे समाज के यूज करने के लिए करवाया था। इसकी मतलब हमारी केवल इसकी देखरेख की जिम्मेदारी है। तो इसकी पास है 2017 में इसको मॉडिफाई करवाया गया था, वैसे छोटी इंटा का, इसमें नीचे आप देखोगे पानी स्टोर करने के भी था सिस्टम है, भैंसों के लिए भी था। तो फिर धीरे धीरे भाई इसका मॉडिफाई करके ना उनकी चीज़ों की जरूरत नहीं रही, तो फिर अपना ये टंकी बनाई गई थी। उसके बाद फिर अपना कई मतलब आज से हो जाए गाँव में कुएं का में, तो यूँ जाल लगाएगा अभी ताकि कोई भाई पागल पुगल लोग मतलब पशु कोई आदमी भाई मतलब सुसाइड ना कर सके, तो जाल लगा दिए गए। तो जो खर्च है नहीं, इसका खर्च किसने उठाया था? खर्च तो परिवार ही उठाओगा अभी, जिसका साहब बुजुर्ग। अच्छा, हाँ मतलब ये परिवार क्या है, एक मतलब पेंड जिक्र इस बूढ़ा ने बनवाया था भाई, ये मतलब काला राम था, यू उसी ने बनवाया था। 122 साल इसकी हो गए, तो इसको मतलब पहले भी चलिया था, बीच में थोड़ा डैमेज हो गया था, 10-12 साल ही वो बंद रहा। तो फिर भाई और साथी थे अपना जो युवा ने इकट्ठा होकर ने पैसे एकत्रित करके, तो फिर अपना इसके ऊपर पैसे लगा दिए। अब इस पर पेंट पुट कर सौदा भी, मैं भी आंदोलन 10 दिन की छुट्टी लेकर, तो भाई अपना इसका पेंट का काम, क्योंकि सारा काम हो गया था अपना लोकल, तो इसका पेंट में पत्थर पुत्थर, फिर इसका इतिहास मन ने भी सर्च करे इसके ऊपर, भाई कब था, कौन सी पीढ़ी में था, तो सन वगैरह, भाई आके कोई दिक्कत ना आए, तो एक इसको एक मतलब पुराना भी और नया भी, तो वो लुक दिया गया। फिर सब पुत्र पुत्र बनवाया करना, मेरी देख रेख में अपना जिम्मेदारी दे दी थी परिवार ने, कोई बात नहीं तो कर दे, तो अपना कर पीसा सारा मतलब सार्वजनिक पीसा लग गया था। और ये फिर पानी का थोड़ा भाई पहला भी मतलब न्यून पानी बिक जाए था, वेस्टेज थी पानी की, और बिजली तार तूर भी कोई अटज कोई लगा जाए कोई हादसा ना हो जाए, तो इसमें आप देखो इसमें पक्का सिस्टम कराया था बिजली का भी, और ये पानी का भी फिटिंग भाई एक एक बूंद है जो वो मतलब काम आओ कीमती है, पीने का पानी है, तो वापसी कुएं के अंदर उतारने काम कराया था। और पानी कैसा इसका, बढ़िया पानी पीने का पानी है? बिल्कुल बढ़िया पानी है पीने का। और सबसे खास बात ये है भाई, अपना कोई भी आवा इसके अंदर, कोई जाति धर्म कोई कुछ नहीं है, मां किसी का मतलब कि कुछ नहीं, कोई आओ अपना पानी पियो, लेकर जाओ, शादी में बरतो, एक नहाने की मनाही है, नहीं तो भाई अपना सार्वजनिक समाज का है, तो समाज ही इसको अपना यूज कर रहा है। देखो भाई यहाँ की एक ये बना रखा जाल, क्योंकि पहले देखा कर दे कि कुआं में गिर गया,
पहले बहुत ज्यादा इसी चीज मिला कर दी कि कुआम गिर गया, लेकिन उसकी भी एक सुविधा ला लो करी है क्योंकि जाल डाला गया है और इसका बचाव हो जाए, क्योंकि कई बार देखा पे भाई मानसिक तौर पर हो जो और उसको पता नहीं होता वो कूद जाए कुआ में, लेकिन उसका भी बचाव करा गया है, जाली लगाई गई है। देखो भाई ये कुआ एक जो आज भी कुआ चालू है, कुआ का पानी भरा जाओ, ये डोल रहा और ये रस्सी रही जो पहले ये चीज़ देखने में मिला कर दी, यह बोनी बोला इसने। और कुआ का जो पानी है बढ़िया पानी है, पहला भी देखा करते, पहला ज़्यादातर कुएं का पानी भी रख दे, लेकिन आज तो बोर हो गए, टूंटी होगी, और जो ये रस्सा है पहले रस्सा खींचा कर दे और ये डोल होया कर दे, लेकिन आज यह चीज़ बहुत कम देखने को मिला, लेकिन गाँव करसिंधु में आज भी यह चीज़ देखने को मिला है। और जो कुएँ हैं, कुएँ की डेकोरेशन है जो बढ़िया मोडिफाई कर रखे हैं कुएँ, और पीछे घाट है, घाट दिखाऊंगा अपने, घाट भी कितने बढ़िया मोटिफाई कर रखे हैं, पेंट करा रखे हैं दीवारें, जो देखने योग्य है, जो पहले यह चीज़ होया कर दी लेकिन आज देखने कम मिला है। तो गांव करसिंधु है जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो बुजुर्गों के टाइम में चीज़ होया कर दी, उन चीज़ों ने आज भी दिखा रहे हैं और जो चीज़ें हैं वह उन्हें मोटिफाई कर रहे हैं, आज इन चीज़ों ने मोडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले चीज़ होया कर दी, आज देखने कम मिले हैं। तो करसिंधु गांव की यह चीज़ है भाई, जो पहले होया कर दी और जो पुराने बुजुर्गों की चीज़ होया कर दी, उनको आज भी लेकर चल रहे हैं। और ये तालाब है, तालाब का घाट है, तो आप देख रहे हो तालाब का घाट कितना बढ़िया बना गया, क्यों पहले ये था लेकिन अब भी ये उस चीज़ को यू का यू बना के रख रहे हैं, हर समय के अनुसार इसकी डेकोरेशन है, जो इसका देख रेख है, रख रखा हुआ है, वो करते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं देख रहे हो, लेकिन ये अभी पेंटिंग हुई है, जो ये अभी नया है, और उस तरफ देख लो आप, ये चीज़ देखने कम मिला है। तो साथियों, और गांव की जो शोभा है, अपने तालाब हैं, कुएं हैं, जोड़ हैं, इन चीज़ें तो बढ़िया करा है, क्योंकि पहले यही चीज़ ज़्यादा होया कर दी, और आप तो यहाँ दिखाई हैं जो कुएं हैं, जोड़ हैं, जो इनकी डेकोरेशन या समय के अनुसार कर रहे हैं, और जो आज भी महिलाएँ पानी भर रही है कुआ का, तो ये चीज़ देखने को बहुत ही कम मिला है। और करसिंधु गाँव की तस्वीर आप देखने लग रहे हो। तो साथियों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिल रही, लुप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर आज भी वो चीज़ें यूं की यूं देखने को मिलेगी जो पहले की थी। तो साथियों, आपके सोच विचार क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।